आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अमृतसरी पनीर भुर्जी की रेसिपी। अगर आपको पनीर खाना बहुत ही पसंद है तो इस रेसिपी को आप जरूर से ट्राई करें। बहुत ही डिलीशियस और यम्मी बनती है ये। इसे आप ब्रेड के साथ खाएं, पाव के साथ खाएं या पराठे चपाती के साथ खाएं। बिल्कुल ही ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी को कैसे बनाया जाता है हर टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीना। मेरे चैनल रेसिपीज बाय लीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अमृतसरी इस पनीर भुर्जी को बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी। और देसी घी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बटर। ढाबे वाले बटर में ही इसे बनाते हैं और बहुत टेस्टी बनती है। इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। पिंच ऑफ मैं इसमें हींग डाल रही हूँ और जीरे को हम अच्छे से चटकने देंगे। बहुत ही बढ़िया मौसम है, बाहर तो बारिश आ रही है, ऐसे में पनीर भुर्जी चपाती के साथ खाने का मजा ही आ जाएगा। इसमें हम डालेंगे 3 मीडियम साइज के प्याज, जिसे मैंने इस तरह से लंबा लंबा काट के तैयार किया है, और अच्छे से हमें इसे भून लेना है। बढ़िया से प्याज को हमें भुनना है, लेकिन बहुत ज्यादा लाल हमें नहीं करने हैं, बस हल्के ये ट्रांसलूशन हो जाए उतने ही हमें इसको भुनना है। तो अभी गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे ताकि प्याज हमारे पानी ना छोड़े, और बढ़िया से हमें इसे भुनना है। तो हल्का हल्का सा हमारा प्याज का कलर चेंज हो गया, ये देखिए। तो अभी हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है और लहसुन को मैंने बारीक चॉप किया है, तो इसे भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और बढ़िया से प्याज के साथ हम अदरक और लहसुन को भी भून लेंगे। वैसे तो पनीर भुर्जी बहुत तरीकों से बनाई जाती है, घर में इसे इजी आसान तरीके से 5 मिनटों में भी बनाया जाता है, बट आज जो मैं ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी उससे बिल्कुल ही ढाबे वाला और बहुत ही टेस्टी टेस्ट आएगा, लेकिन 10 मिनटों में ही ये बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए, प्याज तो बढ़िया से भुन चुके हैं, अभी मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच बेसन। यही वो ट्रिक है जिससे ढाबे वाले यूज करते हैं और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है सब्जी में। तो बेसन को हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से इस स्टेज पे बेसन डालने से ना प्याज के साथ ही ये भुन के तैयार हो जाएगा, तो इसे अलग से भुनने की जरूरत नहीं है। तो बेसन को प्याज के साथ ना भुनना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या है ना, बेसन का कच्चापन आता है। तो जब हम बेसन डाले तो हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है ताकि बेसन जले ना और हमारी सब्जी का कलर जो है वो चेंज ना हो। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने प्याज के साथ अच्छे से बेसन को भून लिया, ये देखिए बढ़िया से मेरे प्याज भी भुन चुके हैं और बेसन भी इसके साथ अच्छे से भुन चुका है। तो गैस को बिल्कुल मैंने लो कर दिया इस समय। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें हम डालेंगे टमाटर। ये 3 मीडियम साइज के टमाटर मैंने लिए हैं जिसे बारीक चॉप किया है। तो 1/2 चम्मच में इसमें नमक डाल रही हूँ ताकि टमाटर ना हमारे जल्दी से गल जाएं। तो नमक डालने के बाद हम इसे स्टर कर लेंगे और गैस को ना हमें बिल्कुल ही लो रखना है, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है तो बेसन ना नीचे लगने का डर होता है, जिससे हमारी सब्जी का कलर भी चेंज हो सकता है। तो देखिए, बढ़िया से टमाटर को भी मैं प्याज के साथ अच्छे से भून रही हूँ, लेकिन अभी ना इसमें तेल सेपरेट नहीं हुआ है। जब तक इसका तेल सेपरेट ना हो जाए ना, तब तक हमें इसे स्टर करना है, और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही मैं इसे हिला रही हूँ। तो बढ़िया से इसे भुनेंगे, जितना ज़्यादा हम अच्छे से भुनेंगे उतनी ही सब्जी हमारी टेस्टी बनेगी। तो 2 मिनट इसे भुनने के बाद ही आप देखेंगे तेल हमारा अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो चलिए फटाफट से इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। 1/2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर डाला है मैंने। ये मैंने किचन किंग मसाला लिया है जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा सब्जी का। और मसाले डालने के बाद ना थोड़ा सा पानी डाल के स्टर करेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना और सब्जी की रंगत जो है बनी रहे। तो अभी इस स्टेज पे ना मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च मैंने ली है, तो इसे भी हम प्याज के साथ टमाटर के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो शिमला मिर्च को ना हमें लास्ट में ही डालना है ताकि इसकी थोड़ी थोड़ी क्रंचीनेस भी बनी रहे। तो चलिए अभी इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं, और पानी डालने के बाद इस पर लेड लगाते हैं। आधी कटोरी में इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले मेरे बढ़िया से भुने और अच्छे से ये रम जाएं, जिससे क्या होगा कि पनीर भुर्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा और हल्की हल्की सी ग्रेवी भी इसमें रहेगी। तो चलिए अभी इस पे लेड लगा देते हैं और 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे हम पकने देंगे। तो अभी लेड लगाने से क्या होगा ना, ये अच्छे से तेल छोड़ जाएगा और बहुत ही बढ़िया भुन के हमारा मसाला तैयार होगा। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना ही बढ़िया मेरा मसाला बनके तैयार हुआ है, इसमें अच्छे से तेल भी सेपरेट हो गया, ये देखिए।
तो इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें पनीर। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है जिसे मैंने ग्रेट करके डाला है, तो ग्रेट करके ही हमें पनीर को यूज़ करना है। इस तरह हाथों से तोड़ के डालेंगे ना तो पनीर की भुर्जी बढ़िया नहीं लगेगी देखने में। तो इस तरह से कद्दूकस करके डालो ना तो पनीर हर जगह पे एक जैसा दिखता है, तो सब्जी देखने में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो चलिए पनीर भी मैंने इसमें डाल दिया है, अच्छे से इसे हिला लेते हैं और गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे। कितनी ही बढ़िया हमारी सब्जी बनने वाली है गाइज, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो पनीर को मैंने इसमें मिक्स कर दिया है मसाले में। बढ़िया से इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डालेंगे जिसे डालने से ना इसका टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो चलिए उस स्पेशल इंग्रेडिएंट को डाल देते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा कप दूध। आप चाहें तो मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, पर दूध डालने से ना बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है गाइस। आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। दूध डालने से ना पनीर की भुर्जी का स्वाद ही बदल जाता है और बहुत ही क्रीमी क्रीमी सा टेस्ट आता है इसके अंदर। तो दूध डालने के बाद हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ज़रा सा हिलाएंगे और एक बार लेट लगा देंगे। लेट लगाने से क्या होगा ना कि दूध का कच्चापन दूर हो जाएगा और सब्जी की रंगत ही चेंज हो जाएगी, अभी आप देखना। तो चलिए चेक करते हैं, ये देखिए कितनी ही बढ़िया मेरी सब्जी का टेक्सचर आया। आप देख सकते हैं कितना ही बढ़िया लग रहा है ये देखने में, और टेस्ट में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनती है ये भुर्जी। आपके घर में कोई गेस्ट आए ना तो एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बार बार इसे बनाएंगे, बिल्कुल ही अलग और अमेजिंग टेस्ट आता है इसका। तो दूध और बेसन का ही सारा खेल है इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया लगता है उसे। तो लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी जिसे मैंने तवे पे भून के डाला है, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। तो लीजिए हमारी पनीर भुर्जी बनके तैयार है, हमारी फेमस अमृतसरी पनीर भुर्जी जिसे हम पाव के साथ भी खा सकते हैं, ब्रेड के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगती है, और कुलचे के साथ तो इसका जवाब ही नहीं है। ये देखिए कितनी ही बढ़िया मेरी भुर्जी बनके तैयार हुई है, ये देखिए कितना ही बढ़िया टेक्सचर आया है इसके अंदर। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, झटपट से बनके तैयार हो जाती है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा तामझाम भी नहीं है इसके अंदर। तो चलिए अभी इसे प्लेट में सर्व करते हैं। कितनी ही टेस्टी हमारी भुर्जी बनके तैयार हुई है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया है। ये देखने में तो अमेजिंग लग ही रही है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो जब कभी किचन में ज़्यादा देर तक खड़े होने का मन ना हो ना तो इस भुर्जी को बनाइए, जो जल्दी से बनके तैयार हो जाती है और टेस्टी भी बहुत लगती है। तो आज तो मैं इसे सर्व करूँगी पराठे के साथ, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है इसका पराठे के साथ भी। तो इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है, आप बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए कितनी ही अमेजिंग लग रही है देखने में भी, खाने में भी गाइज ये बहुत टेस्टी है। तो चलिए मैं तो चली लंच करने, आप बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में।